रहस्य क्या है? बॉब प्रॉक्टर, आप शायद यह सोच सोचकर हैरान हो रहे होंगे, आखिर यह रहस्य क्या है? मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है। हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं। एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम इतने सटीक हैं कि हमें स्पेसशिप बनाने में जरा भी मुश्किल नहीं आती है। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और हम यान के उतरने के पल को सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं। आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम, लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क या चाहे जहां रहते हो, हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम कर रहे हैं। इसका नाम आकर्षण है। रहस्य आकर्षण का नियम है। आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं, उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं और वे तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं, जो आपके मस्तिष्क में है, यानी जो आप सोच रहे हैं। आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है, उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु, एक शक्ति है। दुनिया के महानतम शिक्षकों ने हमें बताया है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक ने इसे अपनी कविता में सिखाया है। लुडविग वैन बीथोवन जैसे संगीतकारों ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया है। लियोनार्डो द विंची ने इसे अपनी पेंटिंग्स में उकेरा है। सुक्रात, प्लेटो, रेल्फ वाल्डो इमर्सन, पाइथागोरस, सर फ्रांसिस बेकन, सर आइजैक न्यूटन, जोहानन वोल्फगैंग वान गेटे और विक्टर ह्यूगो ने इसे अपनी लेखनी और दर्शन में व्यक्त किया है। इसी कारण उनके नाम अमर हैं और उनकी महानता सदियों बाद भी कायम है। यह रहस्य हिंदू धर्म, होमिटिक परंपराओं, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में मौजूद है। यह बेबीलोन और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं की लेखनी और कहानियों में व्यक्त हुआ है। यह नियम युगों युगों से कई रूपों में व्यक्त होता आ रहा है और इसे सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा जा सकता है। इसे 3000 ईसा पूर्व में पत्थर पर उकेरा गया था। हालांकि कुछ लोग इस रहस्य के ज्ञान को हसीन करना चाहते थे और उन्होंने इसे सचमुच हासिल भी कर लिया, लेकिन ये हमेशा मौजूद था और कोई भी इसे खोज सकता था। नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था। इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा रहेगा। यही नियम ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था, आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं या आप कहाँ हैं। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन के अनुभवों को आकार दे रहा है। यह सर्वशक्तिमान नियम आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आप अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय करते हैं। 1912 में चार्ल्स हानेल ने आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था, यह सबसे महान और सबसे अचूक नियम है जिस पर सृजन का समूचा तंत्र निर्भर है। हर युग के बुद्धिमान लोगों को इस नियम का ज्ञान था। आप इसे प्राचीन बेबीलोनिया की संस्कृति में भी देख सकते हैं। उन्हें इसका ज्ञान था, हालांकि यह ज्ञान बहुत कम लोगों के चुनिंदा समूह तक ही सीमित था। इतिहासकार प्राचीन बेबीलोन संस्कृति की महान उपलब्धियों और प्रचुर समृद्धि का गुणगान करते नहीं थकते हैं। विश्व के सात आश्चर्य में से एक हैंगिंग गार्डन इसी संस्कृति की देन थी। इस कौनमा ने ब्रह्मांड के नियमों को समझा और उन पर अमल किया। इसी वजह से यह इतिहास की सबसे दौलतमंद कौमों में से एक बन गई। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1% लोग लगभग 96% धन कमाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि यह सिर्फ संयोग है? यह तो पूर्व निर्धारित है। उन्हें एक खास चीज का ज्ञान है। दरअसल उन्हें रहस्य का ज्ञान है और वही रहस्य अब आपको बताया जा रहा है। इस रहस्य के प्रयोग से लोगों ने अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया है, चाहे उन्होंने यह सोच समझकर किया हो या अनजाने में। वे प्रचुरता और दौलत के विचार सोचते हैं। वे अपने दिमाग में किसी विरोधी विचार को जड़ें नहीं जमाने देते हैं। उनके सबसे प्रबल विचार दौलत के बारे में होते हैं। वे सिर्फ दौलत के बारे में सोचते रहते हैं और उनके दिमाग में इसके अलावा कोई चीज नहीं होती है। चाहे उन्हें इस बात का एहसास हो या न हो, दौलत संबंधी प्रबट विचारों के कारण ही दौलत उनकी ओर आकर्षित होती है। यह सक्रिय आकर्षण का नियम है। रहस्य और सक्रिय आकर्षण के नियम को बताने का एक आदर्श उदाहरण यह है,
आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने बहुत सारी दौलत हासिल करके गंवा दी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोबारा हसीन कर ली। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन हुआ यह था कि चूंकि पहले वे दौलत के बारे में प्रबलता से सोचते थे, इसलिए वे उसे हासिल करने में सफल हुए। फिर उन्होंने दौलत गंवाने के डरावने विचारों को अपने दिमाग में आने दिया, जब तक कि वे प्रबल नहीं बन गए। दौलत पाने के विचारों का पला हल्का हो गया और दौलत गंवाने के विचारों का पला भारी हो गया। इसी वजह से उन्होंने दौलत गंवा दी। बहरहाल, दौलत जाने के बाद इसके जाने का डर गायब हो गया और उन्होंने दौलत के प्रबल विचारों से तराजू के सकारात्मक पलड़े को दोबारा भारी कर लिया और दौलत लौट आई। आकर्षण का नियम आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे वे जैसे भी हों।